ये कायल नहीं कर पाए, क्यों उनको उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला, क्यों आप लोगों ने ये नहीं समझा पाए? Unknown computer found. सिंपल बात है, एक पंजाबी का मुहावरा है कि झूठ दे पैर नहीं होंदे। जब ये केस शुरू हुआ और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, अभी केस दायर नहीं हुआ था, तो मैं शायद एक टेलीविजन चैनल पे आके मैंने अर्ज किया था कि नवाज शरीफ इज हिस्ट्री, बिकॉज मैं जो कागज पढ़े मुझे यकीन हो गया था कि ये पैसे हलाल नहीं है, ये हराम की कमाई है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। अब थोड़े से सब्र से सुन लीजिए। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स खरीदी गई 93, 95 और 96 में, और उनके अपने लोग कहते रहे, जिसमें चौधरी निसार साहब भी हैं। उसके बाद जब ये केस शुरू हुआ कि भाई ये पैसे किधर से आए, और फिर हमें पता लगा कि इनका जो छोटा बेटा 99 में कहता था मैं स्टूडेंट हूं और किराए के मकान में रहता हूं, उसने फ्लैगशिप कैसे बना ली और फिर 13 कंपनियां कैसे बना ली। फिर हमने ये सोचा, हमें ये पता लगा कि गल्फ स्टील बनाई थी एक इदारे में, और मियां साहब ने ऐलान किया है कि ये गल्फ स्टील 33 मिलियन धीरम की बिकी, और उसके बाद हमने अजीजिया बनाई और अजीजिया 63 मिलियन रियाल की बिकी, और उसके बाद हमने अजीजिया बेची तो हमने हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट बनाई। ये था उनका डिफेंस ड्रामेटिकली। और उस दिन मुझसे शिकवा किया है अकरम शेख साहब ने कि मैंने उनकी जात के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में कोई गैर संजीदा बात की है, तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। अगर ख्वाजा आसिफ ने उनको लपड़ नहीं मारे और मैंने गलती से कह दिया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर उनको केस से हटाया नहीं गया और फिर वो दूसरे केस में आ गए तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उनको एक बहुत अच्छा वकील समझता हूँ, जब वो तैयार हों तो वाकई वो बहुत अच्छे वकील हैं। अब बेटा ड्रामेटिकली जब केस चल रहा था, एक खत आ गया, उन्होंने कहा जनाबे अली मैं बड़ा मोतबिर आदमी हूँ, मैं प्रिंस हूँ। अच्छा यार तू प्रिंस है, तेरे सिंग निकले ने, तेरे कन्ना च वाल निकले ने, तू कौन है? और मुझे पता लगा कि मेरे बड़ों के साथ इनके बड़े ताल्लुकात थे, और मुझे पता लगा कि इनके इन्होंने एक चीज बेची थी, और मुझे पता लगा, मुझे बताया गया, और इन्होंने 12 मिलियन धीरम हमारी जो कंपनी है जो मकान बनाती है स्टेट डेवलपर उसमें इन्वेस्ट किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका फैसला जब हुसैन नवाज बड़ा हुआ तो मैंने उसके अब्बा दादे के मामले कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज इन द एयर, दिस वाज अ यूजलेस लेटर, इट मेंट दे डिड स्टॉप एट दैट, दे प्रोड्यूस्ड अनदर लेटर। यानी बेहयाई की, आप समझ गए, केस ज्यादा पेचीदा नहीं था। नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम ने इस केस को पेचीदा बनाया, इसमें इनका डिफेंस हो सकता था। ना, दे हैड ओनली वन डिफेंस बेटा। मैं एक दफा पहले कह चुका हूँ, मिस्टर नवाज शरीफ हैड ओनली वन डिफेंस। मेरे फादर बड़े अब्बा जी मनी लॉन्डरर थे, मैं नहीं था। ये सारा पैसा उन्होंने किया, उन्होंने गल्फ स्टील बनाई, उन्होंने लंदन के फ्लैट खरीदे, उन्होंने अजीजिया बनाई, उन्होंने अजीजिया बेची, हम तो बने। इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने कतरी से एक शीट ले आए। आपको पता है वो शीट क्या थी जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की? उन्होंने कहा लंदन में मैंने हुदैबिया के पैसे $8 मिलियन मैंने दिए, हसन नवाज को अपनी कंपनियां स्टार्ट करने के लिए पैसे मैंने दिए, अजीजिया मिल्स के लिए मैंने ये पैसे दिए, ये पैसे दिए, ये पैसे दिए। ये सारा जब काम खत्म हो गया तो मेरे पास जो पैसे इनके बचते थे उसकी जगह मैंने इनको एवल फील्ड अपार्टमेंट्स दे दी। यार ये कोई डिफेंस है? आई मीन समबडी मस्ट बी मैड टू पुट दिस डिफेंस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर कतरी को कहा आप बयान देंगे, वो पता है इसने जवाब क्या दिया, मैं पाकिस्तान की अदालतों को मानता ही नहीं हूं। yes, yes. मेरे पे उसका कानून लागू नहीं होता, जिसने मुझसे बात करनी है मेरे घर पे आकर करे, वो तू ताजमहल लिख रहे, हमें नहीं पता तू कौन है,
तेरे खिलाफ जर्जी में क्या हुआ? बुखारी साहब यकीनन अब आपके मशवरे सुन के वो पछता रहे होंगे कि हम नईम बुखारी से ही रिक्वेस्ट कर लेते कि हमारा जो केस है हमारा केस फाइट करते, आप यकीनन वो यकीनन ये चीज जरूर सोच रहे होंगे। मुझे मुझे बताएं अगर आपको ऑफर आती आप ये केस लड़ते नईम बुखारी साहब? नहीं बिल्कुल। देखिए मैडम, मुझे एक दफा, मेरे पास इस कमरे में एक साहब बैठे हैं जहां मैं बैठा हूँ, मुझे एक दफा मलिक रियाज साहब ने अपने केस जो अरसलान के बारे में उस वक्त के चीफ जस्टिस सुन रहे थे, मैंने कहा वो अपनी तकदीर लेके आए भाई, मैं ठेकेदार हूं उनकी तकदीर का, आप तुसी कल्ले जानदे हो एक्साइज करन, मैं कहा अच्छा तुसी पांच बंदे उत्थे भेज देना। अच्छा। नहीं ना अच्छी गल नहीं हैगी, असि दोनों लाहौरी हाँ। मैं कहा मैं बड़ा शर्मिंदा कि तुहाडे वर्गा बंदा मैं लाहौरी हाँ। उसके बाद मेरा टेलीफोन टेप होना शुरू हो गया। अच्छा। फिर आईबी के लोग बाहर बैठने शुरू हो गए, कईयों को, एक दो को मैंने कहा यार मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट चलना है, चलना ही मेरे नाल, मैं आपको ले जाता हूँ। मेरे इनकम टैक्स के खाते खोल दिए, जिस साल मैंने 78 लाख रुपया टैक्स दिया था, मियां नवाज शरीफ ने 24 या 34 लाख टैक्स दिया था, उसके नोटिस मुझे आए और वो जो अफसर था इनका, उन्होंने कहा जी मुझे कहा गया है कि आपको 1 करोड़ रुपया टैक्स और लगा दूं। मैं कहा लगा दे भाई, आपकी अगर आप उसके मुलाजिम हैं और मुमलकत नहीं है तो लगा दो। मैं मजबूर हाँ जी, बड़ी उसने लंबी चौड़ी बातें की। 27 लाख रुपया मुझे 78 लाख के ऊपर टैक्स लगाया गया जो मैंने दिया। अच्छा। और उसे कहा जी ऐसा ऑर्डर लिखूंगा कि आपकी अपील में ये ठीक हो जाएगा। फिर फाइनली ये नैब का जो चेयरमैन जा चुका है उसने बंदे भेज दिए, अभी भी हैं भाई वो बादशाह मिलते कर सकता है। जी लाली साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ शाजिया कि एक प्रोग्राम पहले मैंने आपको पूछा था